हंसी आती है इनकी दकियानुसी सोच पर, इनकी घटिया सोच पर हंसी आती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग? जब आप कंपटीशन में बिग बॉस के घर में सीधे तौर पर नहीं जीत पा रहे हैं तो आपने क्या किया? प्रियंका चाहर चौधरी के पुराने काम में से उनकी वीडियोस निकाली, उनको एडिट करा, मॉर्फ किया और उसके बाद प्रस्तुत करके ये दिखा दिया कि प्रियंका का MMS लीक हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल बोझ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, RAHULBHOJ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, प्रियंका चाहर चौधरी का MMS हुआ लीक। बहुत सी जगह आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत सी जगह आप लोगों ने उस पर वीडियो देख लिया होगा, लेकिन क्या आपने उस वीडियो की सच्चाई उसके तह तक जाने की बात भी सोची? मैं आपको बताता हूँ, मैं करता हूँ इस बात का क्लैरिफिकेशन कि क्या है वो, क्योंकि ये बिग बॉस के कंटेंडर की रेपुटेशन डाउन करने के लिए, ऑडियंस के दिमाग में छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं तो प्रियंका चाहर चौधरी जो कि बिग बॉस में नंबर वन पर चल रही है, माय ग्लैम देख लीजिए, वोटिंग देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में प्रियंका नंबर वन पर है, राइट? लेकिन प्रियंका चाहर चौधरी को गिराने के लिए कुछ लोग जो हैं, कुछ पर्टिकुलर फैंडम है, नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाइए, वो ऐसे घटिया दकियानुसी हरकत कर रहे हैं जहां पे प्रियंका की पुरानी वीडियोस में से, जहां पे इंटीमेसी सीन वाली जो वीडियोस हैं, जो उनका ऑफिशियल वर्क है, उसमें से पर्टिकुलर फुटेज निकाल के ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, लीक हो गया प्रियंका का MMS। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रियंका एज एन एक्ट्रेस काम करती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और उल्लू की सीरीज में उन्होंने काम किया, और उल्लू किस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है हम सबको पता है दोस्तों, राइट? आज अगर उर्फी जावेद को लोग सपोर्ट करने लगे हैं, सनी लियोनी तक को लोग जो हैं, जो प्रॉपर यू नो शी वॉज अ पॉर्न स्टार बिफोर और फिर उसके बाद अब वो जाके हिंदी फिल्म अभिनेत्री बन गई हैं, यहाँ पर उन चंद सीन्स को लेकर, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एक्टर की जिंदगी में ऐसे सीन्स आते हैं, अगर आप लोगों ने घर में देखा होगा, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो ये चीज़ें यू नो ऑन स्क्रीन जो होता है वो केमिस्ट्री, जो इंटीमेसी, वो शो कर कर आए हैं। अब उन सब लोग, उन सब फुटेजेस को कलेक्ट करके, मॉर्फ करके, अलग अलग वीडियोस को बना के लोग क्या दिखा रहे हैं कि ये देखो प्रियंका का असली काम, हो प्रियंका का MMS हुआ लीक, हो प्रियंका तो पैसे कमाने के लिए ये घटिया काम करती है, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों, लिटरली इस तरीके की चीज़ें। एंड मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को, मतलब मैं क्या बोलूँ कि ऐसे घटिया फैंडम को, जो कि नॉर्मल कॉम्पिटिशन में तो नहीं जीत पा रहे हैं, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऑडियंस के दिमाग में जहर भरते हैं कि प्रियंका जो है एडल्ट फिल्म करती है या एडल्ट तरीके से चीज़ें कर रही है और उसके बाद वो चीज़ें लीक हो रही हैं। स्टॉप भाई, ये सब चीज़ें बंद करो, ये बातें ना बचकानी बातें हैं, जनता वेरी स्मार्ट है, और जनता अगर नहीं भी स्मार्ट है तो राहुल भोज इज हियर, जो कि बिग बॉस का विलन है, राइट? चाहे सारे यहाँ पे कितने भी हीरो हैं लेकिन मैं हूँ विलन, जहाँ पर मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, ये जो घटिया चालें, ये जो एड़ी चालें, तिरछी चालें चल रही हैं प्रियंका की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, मैं एक्सपोज करूंगा। तो आप ऐसी जितनी भी वीडियो आ रही हैं उनको जाके बॉयकॉट करें, या जो आपको ये शेयर कर रहे हैं या जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, मेरी ये वीडियो को कमेंट सेक्शन में पिंग जरूर कर दें उनके, तब उनको पता चलेगी कि असलियत क्या है। और ये तो होगा, ये होगा ही होगा, टेंशन मत लीजिए, होगा, लेकिन रिलैक्स, हैव फेथ, अब जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों पर डिपेंड होंगी। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय।